Hello everyone, my name is Arunangshu Bhattacharya and I have secured All India Rank 6th in AIIMS UG examination. Today, I am really glad to be able to talk to you and discuss some tips through tips and tricks through the platform DKT. So, मैं basically तो सूरत गुजरात से हूँ. तो अभी AIIMS के oriented जब हम पढ़ाई करते हैं वो काफ़ी हद तक नीट से अलग होता है. जैसे कि मैंने नीट में कहा था कि नीट में हम सुपरफिशियली बात करते हैं, AIIMS में हमें कंसेप्ट्स को और अच्छी तरह समझना ज़रूरी होता है. और AIIMS का मेन जो फोकस रहता है वो होता है फिज़िक्स, क्योंकि अगर फिज़िक्स है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम बच्चों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. बायोलॉजी क्या होता है कि लिमिटेड सिलेबस है, पूछने के स्कोप भी कम रहते हैं, लेकिन फिज़िक्स में हम अच्छे कंसेप्ट टेस्ट कर पाते हैं. तो उसकी पढ़ाई हम करें कैसे? फिज़िक्स में हमें NCERT जो है फिज़िक्स की वो बहुत थॉरली करनी ज़रूरी है. थॉरली मतलब ये नहीं होता कि जो NCERT में जो साइंटिस्ट के नाम दे रखे हो या कुछ ऐसी ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन दे रखे हो उन्हें हम अगर याद करने बैठे वो नहीं करना. पर जैसे पॉइंट्स टू पॉइंटर सेक्शन हो गया जो हर NCERT के चैप्टर के एंड में दे रखे हैं, या फिर कोई क्वेश्चन दे रखा हो NCERT में, भले ही सॉल्वड हो या अनसॉल्वड हो, उसके जो सोल्यूशन में जो मैटर कुछ अलग सा दे रखा हो, इन जो चीज़ें जो होते हैं ना इन्हें हमें बारीकी से स्टडी करना ज़रूरी है. क्योंकि बहुत सारे जो खासकर 12th स्टैंडर्ड के पोर्शन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन्होंने सॉल्यूशंस के थ्रू बताए हैं. क्योंकि हमारा जो 12th का सिलेबस है उसमें मॉडर्न फिज़िक्स या अपने बोले कि रिलेटिविटी, इनमें इतना फोकस नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स को उन्होंने सॉल्यूशंस में इंट्रोड्यूस किया है. साथ ही एग्जाम्पलर में खास ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम्पलर भले ही NCERT का है लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं. कुछ कंसेप्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके हमें आंसर्स एक बार में नहीं मिले, तो उनके सॉल्यूशंस पढ़े, समझने की कोशिश करें, फिर भी नहीं समझ पा रहे तो हम इंटरनेट पे जाएं. इंटरनेट में काफ़ी रिसोर्सेस हैं जिनमें एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस दे रखे हैं. केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फिज़िकल और इनऑर्गेनिक ऑलमोस्ट सेम ही रहता है नीट जैसा ही. इनऑर्गेनिक में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जिन्हें कोई नहीं कर सकता, उन क्वेश्चंस को छोड़ने का ही प्रयास रखें. साथ ही इनऑर्गेनिक में जो अपने नीट में फोकस रहता है कि केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री हो गया, इन चैप्टर से ज़्यादा फोकस रहता है. लेकिन AIIMS में D&F ब्लॉक हो गया, जो थोड़े ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, उन पे कोई ना कोई जो पॉइंट जो NCERT में ईजिली दिखते नहीं हैं लेकिन है, उन पॉइंट्स को पूछा जाता है. ऑर्गेनिक काफ़ी हद तक जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो मैंने कहा था कि नीट में ज़रूरी नहीं है लेकिन AIIMS में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पार्ट है उसमें जो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम पढ़ते ज़रूर है लेकिन उनकी एनालिसिस हम बहुत बार नहीं करते हैं. दो NCERT में दे रखे हैं अच्छी तरह, तो उनको भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि जैसे कोई अगर टेम्परेचर प्रेशर दे रखा हो, कोई कैटलिस्ट दे रखा हो, उसका कोई यूज़ दे रखा हो, वो सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. एक और बात है कि AIIMS में assertion reason जिसके 120 जिसके 60 questions आते हैं आउट ऑफ 200, तो 60 questions which means 30% पेपर आपका assertion reason के फॉर्म में आता है. तो ये मतलब बहुत बड़ा चंक हुआ. अभी assertion reason में काफ़ी controversial question बन सकते हैं, क्योंकि आप answer 1 or 2 यानी कि reason correct explanation है कि नहीं ये चीज़ डिसाइड कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, खासकर इस एग्ज़ाम के ड्यूरिंग जहाँ बहुत हम पे प्रेशर बना होता है. तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि अगर आप NCERT के लाइंस को ढंग से पढ़े, जहाँ देयरफोर सो इन कनेक्टर्स का यूज़ किया गया हो, बिकॉज जैसे कनेक्टर हो गया, इन कनेक्टर्स का जहाँ यूज़ करा गया हो, उन जो पॉइंट्स हैं उनको एक आप निकाल के कहीं रख ले, मोस्टली NCERT में मार्क करके रखे वहीं सही रहेगा. तो उसके लिए अगर आप ऐसे करके रखते या आपको थोड़ा आइडिया हो कि ये पॉइंट पहले दिया गया था फिर अगला पॉइंट दिया गया था, तो अगर क्वेश्चन AIIMS में ऐसे आ जाए कि assertion को एक पहली वाली लाइन दे रखी हो, रीज़न दूसरी वाली लाइन दे रखी हो, आपको भले ही कनेक्ट नहीं हो रहा हो ये दो लाइन लॉजिकली, लेकिन फिर भी NCERT में आगे पीछे दे रखे है, तो भी आंसर बहुत बार एक्सप्लेनेशन करेक्ट करके जाता है. तो इसलिए assertion रीज़न की जो प्रैक्टिस है वो बहुत सारे बुक्स करके नहीं हो सकता, क्योंकि बुक्स में आंसर्स गलत दे रखे होते हैं, कंसेप्ट गलत बन सकते हैं. बेस्ट तरीका तो यही है कि आप अपने खुद के assertion रीज़न बनाएं, एक बार कोई पास पेपर देखें और जो थोड़ा बहुत बन सके वो. एक और बात, पास पेपर्स पे 100% रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास पेपर्स मेनली मेमोरी बेस्ड होते हैं और बहुत बार गलत भी पाए गए हैं, तो इसलिए पास पेपर्स पे इतना बिलीव नहीं करना. एक और बात, जो GK हो गया AIIMS का, GK सच में जैसे हमें UPSC वाला GK नहीं करना है AIIMS में. AIIMS में जो आप डेली लाइफ में जो आसपास देखते आए हैं
जो कि इधर आप कोई साइन बोर्ड हो गया, कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया या कुछ भी ऐसा कुछ जो आप देखते आए, उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। बस जो एग्ज़ाम के एम्स एग्ज़ाम के एक महीने के पहले वाले जितने भी न्यूज़ आइटम्स रहे हो उनको एक बार ध्यान से देख ले, और इवन एम्स एग्ज़ाम के दो या तीन दिन पहले भी कोई सिग्निफिकेंट न्यूज़ आया हो उसे भी देखें, क्योंकि उनसे भी न्यूज़ उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एम्स में जो बायोलॉजी है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा पूरा रहता है, लेकिन वो कैसे टफ बना सकते हैं कि ऑनलाइन पैटर्न टेस्ट है और आगे आने वाले सालों में वो और अच्छी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को हार्नेस करने की कोशिश करेंगे। तो जब डायग्राम्स जैसे हो गए और जहाँ थोड़ा कलर बेस ज़्यादा है या पिक्टोरियल फॉर्म ज़्यादा है जो कि अपने पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम्स में दे पाना मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कलर आप नहीं दे सकते, लेकिन ऑनलाइन में पॉसिबल है, तो उन जो टेक उन चीज़ों को हार्नेस बहुत ईजिली कर सकते हैं एम्स वाले, तो उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ें। एक और बात सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि एम्स चार फेजेज़ में होता है और चारों फेजेज़ का जो लेवल होता है उन्हें सेम रखना होता है, जो कि हम सब जानते हैं। अभी इसलिए होता क्या है कि बहुत बार जैसे बायोलॉजी में तो खासकर देखा गया है कि अगर वो एक कंसेप्ट पे अगर वो क्वेश्चन एक फेज़ में पूछते हैं तो बाकी तीन फेजेस में भी उसी कंसेप्ट के अराउंड पूछते हैं, यानी कि अभी आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है खासकर एम्स से जस्ट पहले उसमें ये रहना चाहिए कि अगर कोई अगर आपको एक मिलता है पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल ले कि जो रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशंस वाला जो पॉइंट है जहाँ म्यूचुअलिज्म, प्रेडिक्शन, कंपटीशन, ये सब टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, अभी ये जो टर्म्स हुए वो आप चारों फेजेस में पूछ सकते हैं। तो इन जो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे पूरे एनसीईआरटी में, पूरे अपने सिलेबस में, कि जिनसे ऐसे क्वेश्चन, चार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चन पर सेम लेवल के। तो ये काम आपको खुद करना पड़ेगा और बहुत फ्रूटफुल रहेगा ये काम, ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो। लास्टली एम्स एग्ज़ाम के वक्त बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना। एम्स एग्ज़ाम अगर आपको टफ लग रहा हो, आप बैठे हो, तो यही सिचुएशन और सभी बच्चों की भी होगी। अभी इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, इसलिए एम्स में क्वेश्चन छोड़े जो आपसे नहीं बनते हो, या कोई अगर क्वेश्चन का अगर आपका कंसेप्ट ही नहीं पता हो फिर अटेम्प्ट करके आने का और नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एम्स में नेगेटिव मार्किंग नीट से ज़्यादा भारी है और आपके नंबर काफ़ी गिरा सकते हैं। और एम्स में जैसे शिफ्ट का सिस्टम है तो आपको अपने शिफ्ट में तो टॉप 12 में तो रहना ही है अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो एम्स में, इसलिए एम्स में आपका फोकस वही रखें। हाँ, फिजिक्स में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, वो ज़रूर पढ़े, लेकिन एनसीईआरटी को साथ लेते हुए। बाकी एक्स्ट्रा बुक्स की अगर बात करें तो जो स्टैंडर्ड अपने एचसी वर्मा वगैरह जो आते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा कम ध्यान रख के पढ़े, और थोड़े कंसेप्चुअल सवाल जो है उन पर ज़्यादा दें कि अगर आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो उसमें कोई कंसेप्ट आपको नया मिला या कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन कोई छुपा हुआ हो तो उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादा लंबे न्यूमेरिकल्स तो नहीं आते लेकिन उन कंसेप्ट्स पे ज़रूर आते हैं सवाल, और न्यूमेरिकल जो आते हैं वो आपसे बन सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हाँ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नए होते हैं, वो आपकी वो कैलिबर या आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टेस्ट करने के लिए होते हैं, तो उसको आपको वहीं सॉल्व करना पड़ेगा। घर में भी आप जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन बुक्स की वो प्रैक्टिस करते हैं, वो आप सही सही से करते रहें, श्योर है एम्स हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंटली पढ़े और बिना स्ट्रेस के पढ़े, और इसी के साथ मैं ये टॉक एंड करना चाहूँगा, और मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा DKT प्लेटफॉर्म को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की। थैंक यू।